अच्छा ये मार्केट भी भेजते हैं हम, खोदा गाड़ी भी भेजते हैं, कोई फट्टे पे भेजते हैं। अभी इधर लोग लेने आते हैं, एक एक पेटी वाले उसको ये बना के देते हैं। अभी और दो आम खाने के लिए उसने मांगा, उसको भी दे रहा हूँ बेटा। अच्छा ये जो आम है जी, यहाँ पर भी तोड़ के आप दे देते हैं, बेचते हैं? जी जी हाँ हाँ, तो दे देते हैं उधर। तो उसको मतलब महंगे देते हो ये शहर से? शहर से 10-20 कम दे देते हैं, उसका किराया भी लगता है ना बेटा। अच्छा उसका किराया लगता है जी जी। का सांगड़ का आम है जो डायरेक्ट गुटली से होता है और अचार बनाने के काम आता है। बहुत गर्मी होती है यहाँ पर, मई है और मई की 30 तारीख है आज, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आम होते ही गर्मी के मौसम में, और जून जुलाई तक ये पक जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत आम लगा हुआ है। दोस्तों का ख्याल था कि आप जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और जो आप हमें शेयर कराते हैं वो बड़ा ही खूब होता है, लेकिन कोविड की वजह से मैं महीना ये एक्टिविटीज़ नहीं कर सका हूँ, लेकिन आज अपने ही फार्म पर आया हूँ गोट मोहम्मद उमर खास खेली में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आमों की किस्में भी और किस तरह तोड़ते हैं, और जो आप आम खाते हैं वो किस तरह के दरख्तों में लगे होते हैं। आइए। ओ हाथे हाथे जा बाबा, हाथ खूब खेरो बच्चे। ये देखें आम तोड़ रहे ऊपर, और ये नीचे जो है ये इन्होंने इसको क्या बोलते हैं जी, क्या झटनी कहते हैं सिंधी में इसको, ये झटेगा इसको यानी कैच करेगा। ओ ये कैच नहीं हुआ, कैच ड्रॉप हो गया। ये कैच ड्रॉप हो चुका है, ये तो सारे जमीन पे गिर के टूट जाएंगे। अरे भाई तूने इस किसको ना एल खिलाड़ी को ऊपर चढ़ाया है। अरे ये तो सारा ही काम खराब कर गया। एकड़ो मिट भी चाड़ी ने मरा दे दिया, जिक्के मरा कोलोड़ी बिजोड़ी हां मारे पे बड़ी ओ आए गाड़ी मारे हां चली गई डारे कुछ ना थोड़ा हो रहा हट बाबू थोड़ा माचो वाह। ये है झटनी जिसको कैच किया है इन्होंने, और आम ताकि ज़मीन पर ना गिरे, और ये ज़मीन पे ना गिरे, अगर ज़मीन पे गिरा तो आम टूट जाएगा। फिर ये अगर आप इसको सिंधी में कहते हैं पाल, तो आप इसको जब पेटियों में बंद करेंगे तो ये पकेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा, इसमें दाग हो जाएगा। ये देखें ये इन्होंने तोड़े हैं, ये झटनी से कैच कर रहे हैं और फिर ज़मीन पर रखते जा रहे हैं। अभी इसने शाख दे दी, अभी बिल्कुल मीठा हो गया ये, अभी इसको पाल लगाएंगे 3 दिन में तैयार हो जाएगा बेटा। ये है क्या? लंगड़ा आम है। अच्छा लंगड़ा। हाँ जी जी। ये मीठा होता है, लंगड़ा तो नहीं है इसमें, क्यों इसको लंगड़ा बोलते हैं? नहीं ये लंगड़ा है, इसका नाम ही लंगड़ा रखा हुआ है, क्या करे अभी। अच्छा लंगड़ा होता है, सिंदड़ी होता है, देसी होता है। नहीं अगर देखो इसको कहाँ से, ये लंगड़ा है, ये तो सीधा साधा बड़ा खूबसूरत किताबी चेहरा है इसका, और ये बड़े ही अच्छे अच्छे शायर इस पे शायरी लिख सकते हैं। आपने खाम खा इसको लंगड़ा कर दिया यार, कहाँ है ये लंगड़ा? ये कलम वालों का काम है बेटा। अच्छा लंगड़ा, लंगड़ा तो मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा है, इसका बड़ा किताबी चेहरा, बाकी तो सिंगड़ी तो यूँ लंबा होता है वो लंगड़ा लग रहा होता है, ये तो लंगड़ा भी नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। बहरहाल बहुत अच्छा लंगड़ा, अब ये तोड़ रहे हैं, दोस्तों को गिफ्ट करूंगा जो मेरे नज़दीक ही हैं। ये जो आम है ये आप देख रहे हैं, ये सिंदड़ी आम है, ये गिफ्ट ज़्यादा किया जाता है, दोस्तों को हम भेजते हैं तो उनको गिफ्ट करते हैं अपने जो अच्छे दोस्तों से। ये देखें आम जो है, ये अब ये लंगड़ा आम है जी, ये भी लंगड़ा, ये लंगड़ा है। आज जो हो रही है इस वक्त हम फल तोड़ रहे हैं, वो पक चुका है, इसे शाख दे दी है, शाख यानी वो पक जाता है दरख्त में ही तो फिर आम तोड़े जाते हैं। तो आज हमने ये लंगड़ा तोड़ा है,
और इसकी पेटियां भरेंगे, कुछ मार्केटों में जाएंगी, कुछ घर के खाने के लिए हैं और कुछ आप दोस्तों के लिए। लंगड़ा आम पक जाता है तब भी इसका रंग सब्ज होता है। इस आम के बारे में कहा जाता है भारत के शहर बनारस में काश्त किया गया था, मगर कई मकामी किस्से कहानियों के मुताबिक इस दरख्त को पहली बार मुतारफ कराने वाला जमींदार लंगड़ा था। ये आम पक जाने के बाद भी सब्ज दिखाई देता है। ये दरमियाना साइज का जर्द और सुर्खी माइल होता है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। इस आम को लंगड़ा कहकर पुकारा जाता है, हत्ता कि ये आम खूबसूरत तरीन दरमियानी साइज का होता है। इसका छिलका चिकना है जो बेहद पतला और नफीस गूदे से चिमटा होता है। गूदा सुर्खी माइल जर्द मुलायम मीठा और रसदार होता है। आप देख रहे हैं कि सिंदली आम तोड़ रहे हैं और पेटियों में बंद हो रहा है। ये पेटियों में लेके जा रहा है बच्चा छोटा। गर्मी बहुत है, देख रहे हैं आप, मई की गर्मी तो ज़्यादा। गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, कौन सा मैं कोहमरी में हूँ कि ठंडी ठंडी हवा लगेगी। कोहमरी में होता तो ऐसे आम थोड़ी होते उनके पास, यहाँ पर हूँ तो ऐसे प्यारे आम। जी जनाब, गर्मी बहुत थी वहाँ फार्म में जहाँ पर आम के पेड़ थे, क्योंकि पेड़ बहुत घिरे हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, पेड़ों का जंगल होता है, तो इस हवाले से हवा नहीं आ रही होती। तो यहाँ पर देखें कि बिल्कुल खुली हवा, मैं इस दरख्त के साए में बैठा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो बढ़ रहा है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। और ख़ुशी की बात ये शेयर करनी थी कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है अब मोनेटाइज की तरफ जा रहा है और सब्सक्राइबर जो हैं मुझे बहुत अच्छे बाज़ोक मिल चुके हैं, जो बाज़ोक हैं, जो हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं, जो तारीख से मोहब्बत करते हैं, जो अपने सियाहती मकामात से मोहब्बत करते हैं, तो मुझे मिल चुके हैं और मोनेटाइज मेरा चैनल हो जाएगा एक दो दिन में, और फिर पार्टी तो बनती है इंशाल्लाह। आम अभी 20 दिन तक चलेगा, फिर तो ये गिर जाएगा सारे नीचे पक्के। महीने से इसमें बूर लग जाता है आमों में, फिर छोटी छोटी अंबड़ी होती है, बाद में केरी हो जाती है, फिर तोड़ते हैं हम लोग, शहर में बेचते हैं चटनी वटनी वगैरह के लिए लोग लेते हैं, और ये तीसरे महीने के बाद में फिर ये आम की तोड़ाई चलती है, और चौथा महीना चलती है, पांचवा महीना, दो महीना ये चलती है आम खाने के लिए, दो महीना इसकी सीज़न है। छठे महीने की 15 तारीख तो बाग बिल्कुल मुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये इतनी तक चलता है भाई। दुनिया में आमों की सैकड़ों इकसाम हैं, लेकिन पहले नंबर पर दो शहरी आम है। दुनिया में दो शहरी आम को पसंद किया जाता है। यूं कहें कि पूरी दुनिया जहां जहां आम होता है, इसमें दो शहरी जो लंबूतरा होता है, इसका छिलका खूबानी के रंगत जैसा बारीक और गूदे के साथ चिमटा होता है। गूदा गहरा जर्द नरम जायकेदार और नहायत मीठा तरीन होता है। तो जनाब ये फ्रूट फार्म है, मोहम्मद उमर खास के लिए फ्रूट फार्म मेरे वालिद के नाम से, और आपको ये बताता हूँ चलूँ कि ये बहुत पुराना गांव है, और ये जो हम मेहनत कश देख रहे हैं, इन्होंने ये खेतों को हरा भरा रखा हुआ है, तो इन लोगों की मेहनत है, और ये भी नस्ल दर नस्ल हमारी ही तरह यहाँ पर जो है खेती बाड़ी करते हैं,
और मेहनत कश हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आम का मौसम था और मेरी कोशिश थी कि आम के मौसम में आपको जो है आमों की किस्में भी बताऊँ कि यहाँ पर कौन सी किस्में हैं जो नॉर्मल सांगड़ में होती हैं, जो सांगड़ की हैं, तो वो आपको मैंने दिखाई और खेत दिखाए आपको। तो जनाब दूसरी बात यहाँ की बड़ी ये होती है कि बैकग्राउंड में परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, मौसीकी जो होती है, सुर जो बिखेरते हैं परिंदे, ताज़ा हवा। अभी थक के आया था मैं गर्मी में, ज़ाहिर शूट के फार्म की सैर करा रहा था आपको, तो ज़ाहिर गर्मी लग रही थी और जो घना जो हमारा फार्म है वहाँ पर तो जुनूब ओपन नहीं था तो हवा नहीं लग रही थी। यहाँ पर जुनूब ओपन है, ये भी फार्म है, तो यहाँ पर इतनी ठंडी हवा लग रही है और मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। अब ये देखें आम पक चुका है, ये भी मेरे ख्याल में पक चुका है, ये दरख्त में पक चुका है, यानी शाख दे चुका है, तो ये देखें ना। और इसको अगर मैं यहाँ से मीठा मीठा फलार देखें, दरख्त में पक गया, तो ये ताज़ा आम है, इसका टेस्ट जो है क्या कहने, दरख्त से तोड़ के अगर ताज़ा आम आप खाते हैं और आम को काट के खाने से इस तरह खाने में बहुत मज़ा है। अरे लस्सी बच्चा क्या, ये माल तो हमारे को तोड़ना पड़ेगा नहीं तो कौवा खा जाएगा यार। ओए भाई ये तो बहुत उर्दू अच्छी बोलता है यार। तोड़ फोड़ का काम किया भाई, एक और पेटी लिया भाई। ये मीठा बहुत होता है यार, वन का पका हुआ है, वन का पका हुआ और ताजा भी है। अगर ये नहीं तोड़ेंगे तो कवे खा जाएंगे इनको, कवे भी खाएंगे, हर पक्षी खाता है। इतना टेस्ट, इतना मजा, सिंधड़ी आम और खासतौर से सांगड़ का आम, सिंधड़ी आम सांगड़ में भी सदियों से हो रहा है। मीरपुर खास और इस तरफ ज़्यादा फार्म होने की वजह से वहाँ का ये ट्रेंड था, ट्रेडिशन था कि वहाँ पर फार्म ज़्यादा लगाते थे तो मशहूर हो गया कि वहाँ पर ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे दरख्त हैं जो जिनका आप बड़ा आम मीरपुर खास का खाएँ कहीं दूसरे इलाके का, वो खट्टा खट्टा महसूस होगा आपको। इसलिए शाख दिए भी समझो ये पक रहा था, लेकिन इतना टेस्ट है जो सांगड़ के आम में मिलेगा। सांगड़ का सिंधड़ी आम दूसरे जो सूबे के आमों से मुख्तलिफ है, यहाँ के लोग भी आपको मुख्तलिफ मिलेंगे दूसरे इलाकों से, रहन सहन इनका और उठना बैठना। तो इनके जो फ्रूट हैं सांगड़ का जो सिंधड़ी आम है इसका टेस्ट अपना है। अगर ये इसमें आपको पता चलता कि आप सांगड़ का आम खा रहे हैं और सांगड़ के आम का टेस्ट सिंधड़ी आम के नाम से, और सांगड़ के आम का टेस्ट किसी भी इलाके का सिंधड़ी आम हो उससे बेहतरीन है। अरे बाबा जदे तो काले करके कहे पछे ये आपने को तोड़ा ना करो किते जावे। हां और एटा केरा मिले जब को टपक होए जको खाने मिले हुई है तो को जदे दे बैठो। हां आओ देबा, ये भी पक चुका है सिंधड़ी आम सांगड़ का, तो एक और ताज़ा उसको मैं घर ले जाऊंगा। अच्छा एक बात बताऊं, एक कारपेट में बनाते हैं, यानी कि इनको तोड़ के आमों को तोड़ के फिर उनको पेटियों में डाला जाता है, फिर उसमें कारपेट डाला जाता है, हीट दी जाती है गर्मी ताकि जल्दी पक जाए और मार्केट में जाए। लेकिन ये कारपेट फ्री है, ये ताज़ा तरीन कारपेट फ्री, ये मैंने दरख्त से तोड़ा है। एक आम खा चुका हूँ, दूसरे की तैयारी कर रहा हूँ। तो
तो ये जो भी चीज़ नेचुरल पकती है वो ज़्यादा देरपा होती है, वो ज़्यादा सेहत अफजा होती है, यानी उसमें बीमारी का ख़तरा नहीं होता। पहले लोग बड़े बड़े जो मटके थे उनमें डाल के थोड़ा सा भूसा डाल के और पकाते थे, कारपेट नहीं डालते थे। अब कारपेट डालते हैं, इतने आम खाते जाएं, ऊपर से लस्सी पी लें तो वाह वाह। और यहाँ की लस्सी जो है, क्या बात है इसकी, आम खाया ऊपर से लस्सी पी ली तो लस्सी नहीं ठंडा हो गया किए, आए ना मजो। लस्सी नहीं है तो रात को दूध पी लेना, वो भी सही है बेटा। अच्छा, आम के ऊपर अगर खा के दूध पी ले तो खराब नहीं करेगा पेट? नहीं, नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है मना ठंडा रहेगा। सफेद चावल हो और ये आम हो ताज़ा, कारपेट का मार्केट वाला ने, मैं नहीं कहूँगा कि कल सफ़ेद और यहाँ से तोड़ा हुआ ताज़ा सफ़ेद प्लेन राइस, तोड़ा हुआ ताज़ा जो है आम और लस्सी, और फिर रात को अगर आप दूध पीना चाहें उसके ऊपर दूध पी लें तो इसकी जो गर्माइश होती है, इसकी तासीर गर्म है आम की, वो ख़त्म हो जाती है। देखे यहाँ के बर्तन देखे कैसे हैं। आम सख्त तरीन गर्मी के मौसम में परवान चढ़ते हैं और पककर रसदार होते हैं। सुबह सवेरे या शाम को अगर आप आम के बागात की सैर को जाते हैं तो आपको जुनूब की ठंडी हवा, परिंदों की सुरीली आवाज़ें और दरख्त में पका हुआ आम का फल मिलता है, जिसको मकामी जबान में शाख कहते हैं। दरख्तों में लदे हुए हर किस्म के आम आपको सुरूर और तफरी फराम करते हैं। आम का फल मेहमान होता है, इसलिए इसको बहुत मान दिया जाता है और पसंद किया जाता है, और दरख्त में लगा हुआ आम बहुत भाता है। कोविड के बाद पहली बार आया हूँ यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए। कोविड ने मुझे 30 दिन पूरे घर में ही रखा और आइसोलेशन में रखा। उधर ही हो जाता, yeah।
पहली बार ट्रैक्टर चलाया है और बहुत मज़ा आया। और कोविड का ये दौर है, कोविड के दौर में जो है पहली बार घर से निकला हूँ आइसोलेशन से, और आज यहाँ पर ताज़ा हवा और ऑक्सीजन और फ्रेश टफ ड्यूटी दी है अपनी बॉडी को। तो अब वापस जाऊँगा घर, क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं।